हाँ तो फ्रेंड, दोपहर का 1:26 हो रहा है और यहाँ से हम विजय और रिया के घर पे जा रहे हैं, तो मेरा वीडियो पे बने रहें। और उसका घर मुझे पता नहीं है, हमें ढूंढते जाना है। तो इस वीडियो को आप फुल देखें, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो देखकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं। तो दोस्त, फिलहाल ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, अभी हम लोग इरवा पहुंचे हुए हैं। पहाड़ी के करीब से होकर हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और बाल मेरा इस बाइक पे काफ़ी उलझ चुका है, चेहरा भी सूख चुका है, क्योंकि सुबह हम लोग 8 बजे निकले हैं और इस समय अभी 2:40 हो गया है। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे रामगढ़। तो दोस्त, इस तरफ पूरा घाटी ही घाटी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, अभी हम इस घाटी का ऊपर से यानी पहाड़ से हमने इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जिसे आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ से हम लोग फिर निकल रहे हैं। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये है रामगढ़ घाटी। हम लोग रामगढ़ घाटी में अभी हैं और यहाँ से हम रवाना हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का, थोड़ा स्लो चलने, बहुत ही सुंदर यहाँ का सीन है, जो देखने में बिल्कुल लाजवाब है। तो हेलो दोस्त, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी रामगढ़ चौक में हैं और मैं घर से प्लानिंग बनाकर चला था विजय और रिया से मिलने का। तो अफसोस इस बात की है कि हम आज नहीं मिल पाए, इसलिए कि मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। जैसे कि देख पा रहे हैं, बिजली कड़क रही है और समय इस वक्त 4:10 हो चुका है। तो हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं मन में सोचा था कि आज हम विजय और रिया ब्लॉगर से मिलूँगा। तो काफ़ी दुख हुआ गाइस, हम तकरीबन 90 किलोमीटर अपना विलेज गांव से चलकर यहां पर आए और ना मिल सके। तो गाइस, बहुत कस के बारिश हो रहा है, इसलिए हम यहीं से अपना ब्लॉग को समाप्त कर रहा हूँ। शुक्रन शुक्रन या हबीबी, बाय बाय।